राजधानी भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में आग से 7 माओ की गोद उजड़ गई है। घटना के बाद इसे लेकर सियासत भी जारी है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम उमा भारती ने इस पर गहरा दुख व्यक्त किया है, साथ ही कठोरतम कार्रवाई कर राजधर्म का पालन करने की नसीहत दी है। उमा भारती ने शिवराज सिंह चौहान से फोन पर भी बात की। उन्होंने अस्पताल की आग पर ट्वीट करते हुए लिखा कि यह न भूलने वाला दुख है, अध्याय है और इसने अनेक सवाल खड़े कर दिए हैं। उमा भारती ने कहा कि मेरी आज सवेरे एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात हुई है, वहाँ भी इस घटना से बहुत दुखी है। उमा भारती ने सवाल पूछा कि कमला नेहरू अस्पताल के नवजात शिशु वार्ड का फायर ऑडिट कब से नहीं हुआ है, उसके मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी किसकी थी, इसको कब और कितना बजट मिला है, सारे तथ्यों की जांच करके अपराधियों को तुरंत कठोरतम दंड मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मृतक शिशुओं के माता पिता और परिवारों के प्रति मेरी अत्यधिक संवेदनाएं हैं एवं उनके दुखों की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई से राजधर्म पालन होगा।